पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं हेल्थ इंडिया, जहां हम बात करते हैं आपके और हमारे सेहत के बारे में। कहीं आपकी भी खूबसूरती दिन प्रतिदिन कम तो नहीं हो रही, और आप कई प्रोडक्ट्स बदल के भी देख चुके, लेकिन आपकी खूबसूरती है कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। तो रुकिए और ये वीडियो देखते जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि कमी आपके प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि आपके नहाने के तरीकों में है। जी हाँ, नहाना एक अच्छी आदत है, जो न सिर्फ आपको तरोताजा बनाती है, बल्कि गंदगी, धूल मिट्टी, इससे भी आपको साफ रखने में मदद करती है। लेकिन अगर आप नहाते हुए कुछ गलतियां कर बैठते हैं, तो आपकी स्किन खराब हो सकती है और आपकी ब्यूटी भी कम हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि नहाने का गलत तरीका क्या है, जिसका नुकसान स्किन को उठाना पड़ता है और जिसे आपको इस वीडियो देखने के बाद तो जरूर छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे गर्म पानी से नहाने के बारे में। जी हाँ, सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन ज्यादा गर्म पानी से नहाना शरीर और स्किन दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। ज्यादा गर्म पानी से नहाने पर त्वचा की नमी छिन सकती है और स्किन ड्राई हो सकती है, जिसके कारण झुर्रिया, खुजली आदि समस्याएं भी हो सकती है। दूसरा बात करेंगे हम ज्यादा देर तक नहाना। जी हाँ, नहाना एक अच्छी आदत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देर तक नहाएं। पानी के अंदर ज्यादा समय तक रहने के कारण स्किन ड्राई हो जाती है, साथ ही स्किन इन्फेक्शन या खुजली का भी ये कारण बन सकता है। इसके बाद बात करेंगे हम स्किन को तौलिए से रगड़ना, जो अक्सर सबकी आदत होती है। नहाने के बाद शरीर को सुखाना जरूरी है, लेकिन अगर आप पानी सुखाने के लिए तौलिए को रगड़ते हैं, तो यह स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से स्किन डैमेज हो सकता है और त्वचा से प्रकृति नमी भी छिन सकती है। उसके बाद आखिरी में हम बात करेंगे स्पंज का इस्तेमाल। जी हाँ, हमें ये भ्रम रहता है कि हम जितना रगड़ कर नहाएंगे, जितना स्पंज का इस्तेमाल करेंगे, उससे या तो हम गोरे हो जाएंगे या फिर चमकदार हो जाएंगे। लेकिन ये भ्रम आपको आज ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे ना तो आप गोरे होंगे, ना ही आप चमकदार होंगे, बल्कि स्किन आपकी और भद्दी दिखने लगेगी। कई लोग नहाने के दौरान स्पंज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि शरीर ढंग से साफ हो जाए, लेकिन ऐसा करने से त्वचा के रूम छिद्र बड़े हो सकते हैं और इनमें धूल मिट्टी व तेल जम सकता है, जिसके कारण शरीर पर मुहासे भी आ सकते हैं। तो आज तक जो ब्यूटी टिप्स आप अपना रहे थे ताकि आप खूबसूरत दिख सके, वो ब्यूटी टिप्स इसलिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि आपने अपने नहाने के तरीकों में बदलाव नहीं किया था। तो आज और अभी से अपने नहाने के तरीकों में बदलाव करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे हैं हेल्थ इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद। हेल्थ संबंधित अन्य जानकारी के लिए हेल्थ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ इंडिया के वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।